नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। यूपी में बदला मौसम, लखनऊ में तेज हवा संग झमाझम बारिश, इन जिलों में भी आज बारिश के आसार। यूपी में कई जिलों में मौसम ने पलटी मारी है। गुरुवार रात लखनऊ में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। सुबह तक लखनऊ में बारिश का सिलसिला जारी रहा। यही नहीं, आसपास के इलाकों में भी आंधी के साथ बारिश हुई। बारिश ने प्रचंड गर्मी से थोड़ी राहत दी। मौसम विभाग के अनुसार यूपी के कई जिलों में आज बूंदाबांदी के आसार हैं। आज और कल को तेज सतही हवा चलेगी, इसके बाद तपिश फिर से बढ़ना शुरू होगी। अमौसी स्थित मौसम केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और प्रदेश के ऊपर बने चक्रवर्ती हवा के दबाव के क्षेत्र की वजह से दो दिन से मौसम कुछ ठीक रहा। इस बीच हालांकि पूर्वा हवा चलने से उमस ज्यादा रही, अब पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर पड़ चुका है और यह आगे निकल चुका है। पीछे छोड़ी खाली जगह को पछुआ हवा तेजी से भरेगी। ऐसे में दो दिन हवा की गति 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। आसमान साफ होने की वजह से अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, न्यूनतम 29 डिग्री के आसपास रहेगा। इन जिलों में आज बूंदाबांदी के आसार। यूपी में मौसम विभाग के अनुसार आज लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, कानपुर शहर, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, बलियाचूर, बहराइच, फतेहपुर बांदा, सुल्तानपुर, फैजापुर, फुर्सतगंज, गाजीपुर, फतेहगढ़ और बस्ती में बादलों की आवाजाही रहेगी। इन जिलों में बूंदाबांदी के भी आसार हैं। गर्मी और सताएगी, दो दिन बाद पारा फिर चढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनजीवन को गर्मी अभी और सताएगी। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार अगले दो दिन में प्रदेश में हवा का रुख बदलेगा और पूर्वाई के बजाय पछुआ चलना शुरू होगी। पूर्वाई रुकने की वजह से वातावरण में नमी कम होगी, आसमान में छाए छिटपुट बादल छूट जाएगी और सूर्य की किरणें सीधे जमीन पर आएंगी, जिससे दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। आगामी 8 जून से पूरे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर प्रचंड ग्रीष्म लहर के साथ लू का प्रकोप बढ़ेगा। बुधवार को प्रदेश ना आगरा, झांसी, मथुरा, वृंदावन सबसे गर्म स्थान रहे, जहां दिन का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। प्रयागराज में 45.4, हरिमपुर में 45.2, चित्रकूट में 44.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।